नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। कहीं भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दें। आगे बढ़ने के लिए, किस्मत को चमकाने के लिए और आमदनी को तेज करने के लिए, धनवान बनने के लिए बहुत से टोटके प्रयोग दिए गए हैं और लोग करते भी हैं। तो आगे बढ़ने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है। भाग्य भी होना चाहिए, इसके साथ कर्म भी होना चाहिए और सबसे बड़ी बात ग्रहों का अपने अनुकूल होना। अगर यह तीनों चीज आपके पास है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो सोए हुए भाग भी जग जाते हैं और सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। और यह कर्म है तो कहा जाता है कर्म को करिए, तो यह छोटे छोटे उपाय करना एक कर्म है। तो कर्म करेंगे तो भाग्य भी जुड़ जाएगा और ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो आप अगर इन छोटे छोटे उपायों को विश्वास पूर्वक धीरज रखकर करते हैं, थोड़ी देर होगी मगर प्रभु के दरबार में अंधेर नहीं होगा। कर्मों का फल जरूर प्राप्त होगा और आप बन जाएंगे खुशहाल, सोई हुई भाग्य भी जग जाएंगे। तो आप इन छोटे छोटे उपायों को करें, खर्च ना के बराबर है और लाभ बेजोड़ हैं। तो आप ध्यान से सुने, प्रतिदिन सुबह जब आप स्नान करते हैं तो एक लोटा जल किसी पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं। यह क्रिया प्रतिदिन करना चाहिए, इससे भाग्य चमक जाते हैं, ग्रह मजबूत हो जाते हैं। दूसरा उपाय है, अगर आप घर से बाहर किसी कार्य के लिए या कहीं भी जाते हैं तो उधर से लौटते समय आप खाली हाथ घर में प्रवेश न करें। अगर कुछ भी नहीं है तो एक पेड़ का पत्ता ही सही है, उसे तोड़कर घर लाएं और उसमें कोई खर्च भी नहीं। अगर कुछ नहीं है आपके पास पैसे कौड़ी सामान लाने के लिए तो रास्ते में आते समय एक पेड़ का पत्ता तोड़ लें, लेकिन खाली हाथ घर में प्रवेश न करें, उस पत्ते को घर में रखते जाएं। तीसरा उपाय है, अगर आप के घर के आसपास कोई छोटा मोटा या बड़ा तालाब, झील, नहर है जिसमें मछलियां हो, तो आप जब समय मिले, सुबह शाम जब भी समय मिले, थोड़े से आटे का गूंद कर छोटी छोटी गोलियां बना बना कर मछलियों को प्रतिदिन खिलाएं, फिर देखें कमाल। जो भाग्य आपका साथ नहीं देता था अब वही भाग आपके साथ होगा और आप खुशहाल बनेंगे। चौथा उपाय है, घर में भोजन के लिए रोटियां बनती है तो पहली रोटी गौ माता को खिलाएं। यह उपाय बेजोड़ है, इससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपके सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। और पांचवा उपाय है, रोज सुबह जब
आप सोकर उठते हैं तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अच्छी तरह से 2-3 मिनट देखें और देखने के बाद इन हथेलियों को 3 बार अपने चेहरे पर फिरावें। तो मित्रों, इन हथेलियों में अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है, मध्य भाग में सरस्वती का और मूल्य भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। तो मित्रों, इसलिए रोज सुबह उठते ही अपने हथेलियों को देखना जरूरी है। इससे भाग्य चमक जाते हैं, आमदनी बेजोड़ बढ़ जाती है। मित्रों, देखने और सुनने में यह छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन अति प्रभावशाली हैं। तो मित्रों, आपने बहुत सा उपाय करके देख लिए होंगे, लेकिन इसे भी करके देखिए, कुछ ही दिन में आपका मार्ग खुल जाएगा, ग्रह भी आपके अनुकूल, किस्मत भी साथ देना चालू करेगा। तो मित्रों, छोटे छोटे उपाय बड़े ही कारगर होते हैं, तो आप विश्वास पूर्वक करें और इसे लाभ उठावें। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, इसी तरह से हम वीडियो आपको देते रहूंगा और आप घर बैठे वीडियो से लाभ को उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।